नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। पिछले दिनों सराफा व्यापारियों का सोना लेकर भागा बंगाली कारीगर सराफा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी बंगाली कारीगर है जो सराफा में सोना लेकर गहने बनाने का काम करता है। आरोपी को पुलिस ने आज गिरफ्तार कर उससे सोना बरामद कर लिया है। पिछले दिनों सराफा व्यापारियों ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी कि बंगाली कारीगर जिसका नाम अब्दुल्ला शेख है वो उनका लाखों रुपए का सोना लेकर फरार हो गया है, जिस पर से पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश कर रही थी। पुलिस ने टीम गठित कर भौतिक साक्ष्यों के आधार पर टीम को महाराष्ट्र पहुंचाया था। जब आरोपी को इस बात की भनक लगी कि पुलिस उसका पीछा कर रही है तो आरोपी भागकर इंदौर आ गया, जहां से मोबाइल लोकेशन के आधार पर आरोपी को इंदौर से ही गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी से 200 ग्राम सोना बरामद हुआ है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है, जिसमें और भी सोना बरामद होना बाकी है। 11 फरवरी को सराफा जो मार्केट है उसके कुछ व्यवसायियों ने कंप्लेंट की थी कि वो एक बंगाली कारीगर जिसकी खुद की दुकान थी उसको सोना देकर जेवर बनवाने का काम करते थे, और 11 तारीख की सुबह वह कारीगर अचानक अपनी दुकान में ताला लगाकर और मकान में ताला लगाकर फरार हो गया है, और साथ में वो जो सोना उनको दिया था जेवर बनवाने के लिए वो भी ले गया है। इस रिपोर्ट पर अपराध कायम किया गया था, और अपराध कायमी के तुरंत बाद जो आरोपी शेख अब्दुल्ला था उसकी तलाश हेतु एक टीम कुछ सीसीटीवी फुटेज और टोल टैक्स की जानकारी और कुछ टेक्निकल जानकारी के आधार पर महाराष्ट्र रवाना की गई थी। वो टीम लगातार 2 दिन तक उसके द्वारा उस आरोपी को ट्रैक कर पीछा किया गया, और जब आरोपी को पता चला कि टीम यहां तक पहुंच चुकी है सोलापुर तक, तो वह वहां से वापस इंदौर की ओर भागा, जो इंदौर में उसको पकड़ लिया गया। इसमें जो पूछताछ में तथ्य है उसके अनुसार, चूंकि ये काफी समय से यहाँ काम कर रहा था तो जिन व्यापारियों काम करता था उनका इसका पुराना हिसाब था सोने का। सोने के जेवर बना के देते हैं तो जब उसमें कुछ कमी वजन या टंच में रहती तो उसको वो कैरी फॉरवर्ड करके इसके हिसाब में जोड़ देते हैं, जैसा कि यहाँ का नियम है। तो पुराने हिसाब का सोना था, और जो फिजिकली सोना इसको अभी रिसेंटली दिया गया था वो करीब 200 ग्राम के करीब सोना था जो पूरा इससे बरामद हो चुका। कितने व्यापारियों से लेकर गया था सर ये सोना? इसका मुख्य तो जो 3 व्यापारी थे उनका गोल्ड था, और बाकी जो अन्य लोग इसमें पीड़ित बता रहे थे उनका कोई वीसी का या अन्य पुराना लेन देन था, उनका सोना उसमें नहीं था। 200 ग्राम गोल्ड की करीब बाजार के हिसाब से देखें तो करीब 10 लाख के आसपास कीमत है। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट टीवी ऐप।